हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जी एग्जाम लेक्सिकन पे। और आज का हमारा टॉपिक है जी ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले जो जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी थी उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले। और इसमें जो है कि ऑर्गेनाइजेशन और सिर्फ उसका फाउंडर आपको पता होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन की इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसका फाउंडर बताया है कि किसने फाउंड की थी, तो वहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक टेबल फॉर्मेट से मैंने समझाने की इसको कोशिश की है। ये तो सब स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इधर मैंने लिखा है जी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इधर लिखा है जी फाउंडेड बाय। तो आप इसका स्नैपशॉट वगैरह भी ले सकते हैं अगर आपको ये सेव करके रखना है। तो पहली है जी बंगा भाषा प्रशिक्षिका, ठीक है जी, बंगा भाषा से याद रख सकते हैं। और ये किसने करी है जी, गौरी शंकर जी ने। दूसरी है इम्पोर्टेंट है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बंगाल, तो वो किसने किया जी, द्वारका नाथ टैगोर ने। तीसरी भी जो है काफी इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी है इंडियन लीग, ठीक है जी, इंडियन लीग ये वाली जो है इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा, स्टार मार्क कर सकते हैं। तो ये किया जी शिशिर कुमार घोष ने, इनके जो फाउंडर हैं। आगे चलते हैं, मैंने जो बेसिक्स आई हुई हैं और आने के चांसेस है वही ली है इसमें। चौथी है जी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, तो ये किसको गया, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये है जी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा को फाउंड किया था। सार्वजनिक सभा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, सोशियो रिलीजियस वाला जो चैप्टर है जो उसकी वीडियो बनाई है उसमें बता चुकी हूँ, सार्वजनिक सभा जिसको जिसने वो देखा है तो वो उसका उसको याद होगा कि एम जी राणा डे ने जो है इनको इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनके जो तीनों नाम है आपको याद होने चाहिए। एक तो है जी फिरोज शाह मेहता, ठीक है, केटी तलांग और बदरुद्दीन त्याग जी, ठीक है जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग और बदरुद्दीन त्याग जी जो हैं इनके फाउंडर्स हैं। तो ये तीनों की तीनों है जो इस पेज पर, वो तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ही है वो ही इसमें मैंने वीडियो में रखी है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि लंदन वाली है, वो किसने जी स्टार्ट करी थी जी, फाउंड किसने की, दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जी साउथ इंडिया में आ जाते हैं थोड़ा सा, तो मद्रास महाजन सभा, तो ये तीन बंदों ने फाउंड की थी, सी विजारत राघव चारियर, तो अजीब सा नाम है थोड़ा, ये स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद, तो ये तीनों ने ये स्टार्ट की थी। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इम्पोर्टेंट है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, ये तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट है, इंडियन लीग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी जो है इसमें आपको इम्पोर्टेंट बता दी मैंने। तो ये थे आपके कांग्रेस के आने से पहले जो इतनी भी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन हुई है, बट इतना कोई उसका वास्ट नहीं रहा महत्व, बस ये है कि उनके फाउंडर जो है आपको पता होने चाहिए। अब आगे वाले आने वाले टाइम में जो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, तो वो जरूर देखिएगा आप। फेसबुक
टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा एनमैट का पेज है और भी काफ़ी सारे हैं, तो फिर उसके जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और कोई भी तरह का डाउट होता है किसी भी तरह का, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगा। हमारे जो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन जो आती है उसको ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन आती रहे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।